Hey, hey, could you, Daddy? Oh, you. Ow, Vulture, 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 Vulture. Baby, ow! Vulture, I. Arjun? Oh. Suno na. Sujan, yeah, baby. Nina? Okay, come. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आई, आप ना बहुत लकी हैं जो आपको मानव बाबा जैसे पति मिले। सही मायने में आप दोनों का रिश्ता पवित्र रिश्ता है। अब तेरी शादी हो जाएगी ना सचिन से, तो वो भी रोज सुबह सुबह तेरे लिए चाय बनाएगा, है ना मानव? वाह बाबा, चाय तो बहुत अच्छी है। आई, मैं ना चाय पी के निकलती हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, और जैसे मेरा काम खत्म होगा ना मैं सीधे यहाँ आऊंगी, फिर हम दोनों मेरे घर चलेंगे। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। देख, अभी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू कहीं नहीं जाएगी। मानव, आप इसे बोलिए ना। सही कह रही है। अच्छा, लेकिन आई काम भी तो जरूरी है ना। काम वाम कोई जरूरी नहीं गौरी, तो भी बाहर अकेले नहीं जाएगी। वो लड़का बाहर है अभी भी, वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कुछ गलत हो। मानव प्लीज से कहिए ना कि ना जाए, तू भी घर रहे, शादी हो जाने के बाद तुझे जो करना है वो कर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते मानव जी। अरे नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं आप? लीजिए मुंह मीठा कीजिए, हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर लिया है, और ये सब आपकी कृपा है। अगर आपने हमारे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा ना उठाया होता और समय पे मदद ना की होती तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। वाकई में आप हमारे लिए भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, हम कोई भगवान वगान नहीं है, हमें इंसान ही रहने दीजिए प्लीज। हाँ अर्चना बिल्कुल सही कह रही है, प्लीज हमें इंसान ही रहने दीजिए। और पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है, जरूरत से ज्यादा। उसमें से थोड़ा सा हमने आपके बेटे पर खर्च कर दिया, और जो कुछ भी हुआ है, ये मेहनत, ये कामयाबी, ये सब आपके बेटे की है। हमारी तरफ से उसका अभिनंदन कीजिएगा। और हाँ, आगे उसे क्या करना है, पढ़ाई करनी है या कोई जॉब वगैरह करनी है, उस बारे में उसे कहिए कि मुझसे आके मिले। जी जरूर, लीजिए। नमस्ते। तू देख रही है ना आज मैंने क्या किया है। आज मैंने मैंने अपने ही बच्चे को अपने हाथों से जेल भेज दिया। मैं जानती हूँ वो गलत था, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आई कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही। शायद हो सकता है कि मैं दुनिया वालों की नजरों में सही हूँ क्योंकि सोम ने गलती की थी, लेकिन साथ ही साथ मैं कहीं हूँ, मैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मैं अंदर से टूट गई हूँ। गलती शायद मेरी है क्योंकि मैंने उसे सुधारने की कोशिश की और मैं उसे शायद वो भरोसा नहीं दिला पाई। मैंने शायद उसे संस्कारों में कमी कर दी थी। गलती मुझसे हुई है, हर चीज की गुनहगार मैं हूँ। आज तक जिन बच्चों के लिए मैं अपना जीवन देती आई हूं, आज उन्हीं में से एक बच्चे को मैंने खो दिया अपने हाथों। उसको मैं सिर्फ एक विनती करना चाहती हूं आपसे।
अगर मुझे एक मौका मिलेगा ना, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सोहम को एक अच्छा इंसान बना सकूं। अगर हो सके तो एक मौका दे दीजिए। आज मेरी हार हो गई आई, मेरी हार हो गई। मानव सोहम को पुलिस ले गई, मैंने उसे जेल भेज दी। एक हाई का दिल कैसा होता है ना मानव? अब तक मैं खुद पुलिस की मदद कर रही थी उसे ढूंढने में, और आज जब पुलिस उसे ले जा रही थी ना, मुझे बहुत तकलीफ। सुना, मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अर्चना, हमें इस दौर से गुजरना होगा। हम आज भी सोहम को एक अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। समझ लो कि ये उसी परवरिश का एक हिस्सा है। उसकी गिरफ्तारी का दुख हम सबको है। बस आई होप कि सोहम को इस गिरफ्तारी से अपनी गलतियों का एहसास हो, अर्चना, उसे एक सबक मिलेगा और सोहम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। सचिन, बात तो सुनो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ अर्चना, सब ठीक तो है ना? नहीं आई, अब तक तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मेरे फैसले में मेरा साथ देंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक फैसला लिया है, मैं ये चाहती हूँ कि सचिन शादी के बाद हम सबसे अलग रहे, और मैंने इसके लिए एक फ्लैट भी बुक कर दिया, और इसीलिए मैं गौरी, तुझे बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। देख, आज नहीं तो कल सचिन को अपनी गृहस्थी अलग से बसानी है ना, तो अब क्यों नहीं? और वैसे भी अब सचिन को आदत डालनी होगी हम सबसे अलग रहने की, अपने परिवार से अलग रहने की। और आजकल के बच्चों को प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है ना। अरे क्या बकवास करती है तू अर्चना, इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ने कैसे किया? और मेरा पोता मुझसे दूर रहे, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। आई, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ये सचिन की भलाई के लिए कर रही हूँ। ये अब कब तक हमारे साथ ऐसे रहेगा? हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, ये कब तक हमारे साथ इन सारी चीजों में फंसता रहेगा, और क्यों फंसता रहेगा? देख अर्चना, हमारे घर में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हमारा परिवार एक साथ था और एक साथ रहेगा, समझी ना तू? इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ने कैसे लिया? पूरा परिवार साथ में बैठ के उस पर हल निकालेंगे ना। देख, ये शादी का घर है, शादी घर जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। हाँ अर्चना, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। और अर्चना,
इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी। और तुम्हें तो कहा था कि सचिन की शादी तुम्हारे लिए एक स्पेशल ओकेजन है और तुम इसकी शादी धूमधाम से करना चाहती हो, तो फिर ये कौन सा तरीका है तुम्हारा इसकी शादी धूमधाम करने का? क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम सचिन को इस तरह से परिवार से दूर करके? बाबा, हाँ जी, आई का दोष नहीं, ये फैसला आई का नहीं, मेरा है। मैंने अपने लिए फ्लैट बुक किया है क्योंकि अब मैं अपने परिवार से अलग होना चाहता हूं। अजी तू बता, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? सच सोम से डर रहा है ना बेटा, लेकिन देख अभी वो इस घर में नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है, तू क्यों डर रहा है बेटा? उससे सोचना पड़ेगा जी। और क्या गारंटी है कि सोहम इस घर में वापस नहीं आएगा? मुझे फ्यूचर के बारे में सोचकर ही ये फैसला करना होगा। आजी, मेरा फैसला हो चुका है और वो फाइनल है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। सही कह रहा है सचिन, और मैं सचिन के इस फैसले से सहमत हूं। आखिर मैं उसकी होने वाली पत्नी जो गौरी, सचिन अपनी अलग गृहस्थी बसाने की कोशिश कर रहा है, परिवार से अलग होने को चाह रहा है, और तू उसके हाँ में हाँ मिला रही है बेटा। हाँ जी, सही तो कह रहा है सचिन। आखिर इस घर में रखा ही क्या है? ना तो ठीक से सोने के लिए जगह और ना बैठने के लिए, थोड़े से पैर लंबे करो तो दूसरे के पैर लग जाते हैं, और वैसे भी अगर कोई मेहमान आ जाए ना यहाँ पे तो किसी ना किसी को अपना कमरा छोड़ के बाहर यहाँ सोफे में सोना पड़ता है, और तो और पानी के लिए भी नीचे डेली लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और फिर वही बाल्टियां उठा के ऊपर नीचे मशक्कत करते रहो। गौरी बेटा, इन सब के बारे में हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, इनफैक्ट ये सब करने में तो हमें बहुत खुशी मिलती है, फिर चाहे सब मिलकर नीचे लाइन में खड़े होकर पानी भर रहे हो या फिर मेहमानों के आने पर यहाँ हॉल में इकट्ठा सो रहे हो, इससे तो इनफैक्ट हम सबको एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। बाबा मैं समझती हूँ, मैं भी तो एक चौल में रहती हूँ ना, लेकिन आप जिस अपनेपन की जिस प्यार की बात कर रहे हैं वो हमें उस फ्लैट में भी तो मिल सकता है ना। ओवी तेजू, वहां पे तुम लोगों का अपना अलग कमरा होगा। हमारे लिए अलग अलग कमरे? हाँ, तुम्हारे लिए अलग कमरा, और आजी आपके लिए ना एक छोटा सा पूजा घर। पूर्वी, हाय, आज हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? ऑनर अपने पेशेंट की फाइल घर ही भूल आया था, वो उसे लौटाने आई थी। ओके, तुम फ्री हो क्या अभी? आई मीन इफ यू नॉट टू बिजी, हम लोग थोड़ी देर चल के बातें करते हैं ऑनर के कैबिन में, चलो। ओके। पूर्वी, इज एनीथिंग ट्रबलिंग यू? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। Come on, Purvi. मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। वो एक्चुअली अर्जुन कुछ दिनों से मुझसे बहुत नाराज है, और गलती मेरी है। मैं पूर्वी, चालनी खुशखबरी है। पूर्वी कॉन्ग्रेचुलेशंस,
यू आर प्रेग्नेंट. ओह माय गॉड, रियली? यस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक्स. अर्जुन तो ये न्यूज सुन के बहुत खुश होगा. आई थिंक ये खुशखबरी उसे हमें अभी देनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी कॉल लगाती हूँ. शालिनी, तुम फोन मत लगाओ, मैं खुद अर्जुन को बता दूंगी. यू आर राइट, ये पति पत्नी के बीच का बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है. ये न्यूज तुम ही उसके साथ शेयर करना. हेलो श्रीता, मिस्टर बख्शी की कैश फ्लो की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई अब तक. सो डू वन थिंग, तुम्हें काम करो, तुम उनकी कंपनी में उनके एमडी को फोन करके बोलो कि हमारी तरफ से सारे इनवॉइसेस मैं भेजता हूँ. आई कॉल यू बैक. थैंक्स. पूर्वी, तुम्हारा फोन है. हाँ शालिनी, अर्जुन बोल रहा हूँ. अर्जुन कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. मैंने तो पूर्वी के सेल पे फोन किया था, लेकिन तुम? पूर्वी एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैंने उसे दो बार आवाज लगाई, आई डोंट नो कहाँ पर बिजी है वो. कोई अर्जेंट काम था? नहीं, मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था. तुम एक काम करो, तुम एक मैसेज ड्रॉप कर दो, तुम्हें वापस फोन कर देगी. नो, आई विल कॉल बैक, इट्स ओके. या ऑलराइट, बाय बाय. क्या वो बात नहीं हुई क्या? पूर्वी ने अभी तक अर्जुन को गुड न्यूज नहीं दी है, और अर्जुन की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी पूर्वी से नाराज है. हो सकता है पूर्वी के गिल्ट के चलते उसने अभी तक अर्जुन से बात नहीं की हो. लेकिन अभी तक बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? आई मीन हर प्रेग्नेंट औरत को अपने पति के प्यार और केयर की जरूरत होती है. इनफैक्ट अर्जुन का तो हक है इस चीज के बारे में जानने का. यू राइट, लगता है अर्जुन तक अभी ये गुड न्यूज हमें ही पहुंचानी पड़ेगी. उन दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों? मुझे लगता है कि अब सचिन ने फैसला ले लिया है कि वो इस घर से अलग रहना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए ना. अर्चना, ये क्या बोल रही है? आई मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ. आई, सचिन हमारा दुश्मन नहीं है, वो इस घर का बेटा है. अगर वो ये चाहता है कि वो हम सबसे अलग रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके फैसले में उसकी मदद करनी चाहिए, उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम सब उसके साथ हैं. लेकिन आई, गौरी गौरी की टेंशन मत लो, मैं उसे समझाऊंगी. मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं उसे लेकर आऊंगी, मुझ पर विश्वास रखो. और आई, ये गुड न्यूज ना सबसे पहले मैं दूंगी दादा को, ठीक है ना? दादा, दादा गुड न्यूज है, आई मान गई. हाँ दादा, भाई ने कहा है कि वो खुद गौरी से बात करेंगी कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले, और अब आप और गौरी न्यू फ्लैट में भी शिफ्ट हो सकते हैं. दादा एक और गुड न्यूज है, मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके घर का इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करूंगी. ए, मैं करूंगी डिजाइनिंग, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है. ये अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग करके वहां घूमेगी मॉडल की जैसे. तुम मॉडल है, तुझे क्या पता? मैं करूंगी. मैं चुप कर, तुझसे तो ज्यादा नॉलेज है मुझे. इसको बोलो ना, इसको कुछ आता जाता नहीं है. अच्छा दोनों मिलके कर लेना, दोनों मिलकर कर लेना. और देखो, आई आ गई. देखो, इंटीरियर डिजाइनर कोई भी करने दो, कैसे भी करने दो, फ्लैट का उद्घाटन मेरे हाथों होगा. मतलब लाल रिबन मैं काटने वाली हूँ, और मैं तेरे बाबा की मतलब सचिन की बड़ी सी तस्वीर फ्रेम करके तेरे नए फ्लैट में लगाऊंगा. और हाँ सचू दादा, अर्चना वहिनी ने कहा है कि आपके साथ आपके नए घर में मैं रहने जाऊंगी, क्योंकि आपकी नई नई शादी होगी तो गौरी वहिनी को मेरी जरूरत पड़ेगी अपनी गृहस्थी शुरू करने के लिए. और बेटा फ्लैट के पेमेंट्स भी बाकी होंगे ना, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर. और हाँ, कोई लोन वोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो पेमेंट्स मैं कर दूंगा. पूर्वी कम कम मिस्टर मित्तर, माय वाइफ पूर्वी. हेलो पूर्वी, ये मिस्टर मित्तर,
मिस्टर मित्र हमारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं। डैड को ये बहुत ही सालों से जानते हैं और इनफैक्ट हमारी कंपनी के बहुत ही पुराने क्लाइंट है। मिसेस पुरवी, आप दोनों को मेरी वाइफ बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट वो कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस वीकेंड अपने घर पे मैं आप दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करूं। डेफिनेटली हम जरूर आएंगे, विल बी देयर। जी आप, हम जरूर आएंगे। और आपकी वाइफ करती क्या है? शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर। वाओ, वैसे पूरी का टेस्ट भी इंटीरियर डिजाइनिंग में काफी अच्छा है। हमारा घर पूरा इसी ने डिजाइन किया है और आई थिंक आपकी वाइफ की और पूर्वी की अच्छी जमेगी, राइट? ग्रेट, तो इस वीकेंड में आप दोनों का इंतजार करूंगा और बिजनेस रिलेटेड सारी बातें हम फोन पर करेंगे। डेफिनेटली सर, विल सी यू, वी विल सी यू। थैंक यू, सी यू। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। आई, आज सुबह जो मैंने फैसला लिया था तू उससे नाराज थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तूने मेरा फैसला खुशी खुशी मान लिया? सचिन, मैंने बहुत सोचा और बहुत समझने की कोशिश की तेरे फैसले पर, और मुझे यही लगता है कि अब तू बड़ा हो गया है, तुझे पूरी आजादी है तेरे फैसले लेने की। और सच कहूं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तू हम लोगों के दबाव में आकर अपने फैसले को बदले। लेकिन आई, ये सही है या गलत? अब सही है या गलत है ये तो मैं नहीं जानती, ये तो वक्त ही बताएगा। सचिन, तुझे याद है मुझसे तूने कहा था कि मैं मानव को छोड़ दूँ श्रावणी के लिए, और मैंने तेरी वो जिद भी पूरी की थी और आज भी तेरी बात मान रही हूँ। और एक और बात, आगे क्या होने वाला ये मैं नहीं जानती, लेकिन तेरा जो भी फैसला होगा उसमें मैं तेरे साथ रहूँगी। सचिन, तुझे पता है मुझे आई क्या बता रही थी? मुझे आई बता रही थी कि तुझे फर्स्ट क्लास में 80% मिले थे। अरे 80% नहीं, 83.3% है ना? और उसी दिन सविता ने इसकी पसंदीदा खीर भी बनाई थी। सचिन, तुझे पता है सब लोग पता है हमेशा क्या कहते थे जब तू इंडिया में रहता था, कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, या तो तू डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर। और मैं कहता था कि ये मेरे जैसा बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। और मैं कहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर लॉयर बनेगा। तूने बाबा का सपना तो पूरा कर दिया। बदकिस्मती मेरी है कि तेरे लॉयर बनने के सफर में मैं तेरे साथ नहीं थी, और मैंने तेरा, तेजू का, ओवी का, तुम तीनों का बचपन नहीं देख पाई। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम तीनों को बहुत खुश देखूं। आई, आई क्योंकि अब ये इस घर में रहने को तैयार है, इसलिए मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, ये ले। थैंक यू। I'm so lucky, गौरी। अच्छे परिवार के साथ तुम्हारी जैसी पत्नी मिलने वाली है। तुम सही माने में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। अपने होने वाले पति के उसके परिवार से तोड़कर नहीं कि जोड़ के रखना चाहती हो। आखिर बहू किसकी है, है ना? करेक्ट है। कभी पता नहीं मैं तुम्हारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को, ऐसे ही खुश रहो हमेशा।
और झगड़ा नहीं। अर्जुन, अर्जुन चलो ना खाना खाते हैं। मैं खाना खा के आऊं पूर्वी, तुम खा लो। अच्छा सुनो, एक काम करो मेरे साथ बैठ जाना, हाँ मैं खाना खा लूंगी। तुम्हें पता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो ना। मैंने कहा था इंतजार करने के लिए। तमी नहीं ना तो खाना खा लो ना, मैं थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। अर्जुन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब माना कि मैंने गलती की है, लेकिन तुम मेरी एक गलती की मुझे माफ नहीं कर सकते। एक गलती? तुम अगर चाहो तो तुम्हारी सारी गलतियों की लिस्ट गिना सकता हूँ तुम्हें इस वक्त मैं यहाँ। क्या किया है अर्जुन? क्या किया है तुमने? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए क्या है, कोई मजाक है? तुम्हारी वजह से आज मैं कितना ह्यूमिलिएट हुआ तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? क्या किया? क्या किया तुमने? तुम्हारे और मेरे बीच के झगड़े किसी और को बताने की क्या जरूरत है? तुमने क्यों जाके ऑनर को ये सब कुछ बताया कि तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉब्लम, ताकि कोई तीसरा बंदा हम दोनों के बीच की आके प्रॉब्लम सॉल्व करे? अच्छा तुम गलत समझ, कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं मैं, ऑलराइट? ये अर्जुन इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? इतनी रात को उसने अकेले जाने कैसे दिया पूर्वी को बाहर? प्रेगनेंसी की हालत में तो उसे उसके साथ होना चाहिए। हाँ ऑनर, लेकिन अब हमें अर्जुन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आई थिंक यू राइट, मैं अभी फोन लगाता हूँ उसे। हाँ अर्जुन, पूर्वी के सर पर चोट आई है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे फर्स्ट एड दे दिया हुआ है, अब वो मेरे घर पर ही है फिलहाल। मैं आता हूँ। ठीक है पूर्वी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। अर्जुन इतना स्लो क्यों चला रहे हो? स्लो चलानी पड़ेगी ना, क्यों? तुम्हारे पेट में बेबी है ना, इसलिए उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, सब कुछ प्रिकॉशंस के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सुनो हाँ, अब प्लीज इतना ओवर केयरिंग होने की जरूरत नहीं है, अभी तो गुड न्यूज मिली है। तो क्यों नहीं है भाई? ये अजीब बात है, अभी ओवर केयरिंग होने की जरूरत नहीं, अभी से सब करना चाहिए। तुम्हें टाइम पे खाना होगा, टाइम पे सोना होगा, टाइम पे दवाई लेनी होगी। तुम्हें काम करना, तुम अब से ऑफिस भी मत आना, तुम घर पे आराम करना। मैं तुम्हें एक शेड्यूल दूंगा, तुम वो शेड्यूल फॉलो करना चुपचाप बस। इतना घर पे बैठूंगी तो बोर हो जाऊंगी, और तुम्हें नहीं पता डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आठवें महीने तक नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अपने काम पे जाना चाहिए, और मैं भी वही करूंगी। हाँ कोई नहीं, डॉक्टर्स कुछ नहीं कहते ऐसे, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा, सिंपल। देखो तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर मैं कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता, बस सिंपल बोला नहीं। वैसे तुम्हें पता है क्या हमारी लाइफ में ये बेबी जब भी आएगा या आएगी कितना अच्छा होगा ना, परी को एक नया कंपेनियन मिलेगा, दोनों साथ में खेलेंगे, साथ में बड़े होंगे, हम दोनों को साथ में तंग करेंगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पल एक सपना है, इट्स अ ड्रीम। ये सपना नहीं है, सच है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।